हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन सबका एक ही सॉल्यूशन है, नहीं। लेकिन ये नहीं इस्तेमाल आपको कहाँ करना है वो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। क्या आप लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि आप लोग मोबाइल उठाते हैं और कंटिन्यू उस मोबाइल की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में खो जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए। कभी आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो कभी यूट्यूब पे, और कभी बैठ के देख रहे होते हैं बिग बॉस में कंटेस्टेंट के बारे में। तो वहीं पर लगाइए लगाम और बोलिए नहीं। जैसे ही आपको लगे कि आपका टाइम जा रहा है सिर्फ गूगल पे, तो वहीं बोलिए नहीं और स्विच ऑफ कीजिए अपना मोबाइल और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। तो टाइम यूटिलाइज होगा किस पे? आपकी स्टडीज के ऊपर। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि आप यूट्यूब पे किसी एक अच्छे वीडियो को देख रहे हैं जहां पे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, और उसके बाद में आपने सब्सक्राइब कर लिया उस चैनल को, देन आपने फिर कहीं और एक अच्छा सा मोटिवेशन वाला वीडियो देखा और आपने सब्सक्राइब कर लिया उस चैनल को भी। ऐसे करते करते आप लोगों ने कम से कम 10-15 आप लोगों ने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और लेकिन जब नोटिफिकेशन आ रहा है तो इतने सारे नोटिफिकेशन में आप कब खो जाते हैं किसी एक अच्छे टॉपिक पे बने हुए वीडियो को, आपको पता भी नहीं चलता है। तो प्लीज इतने सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने को भी कहिए ना, ताकि अच्छे चैनल्स में सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेंगे अच्छे मोटिवेशन वाले वीडियोस, अच्छे नॉलेजफुल वीडियोस जहां पे एक्चुअल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज बहुत ज्यादा चैनल्स को सब्सक्रिप्शन करने को भी कहिए ना, तो आपको मिलेंगे अच्छे मोटिवेशन वाले वीडियोस, ठीक है, और आपका टाइम सेविंग भी होगा। इसी के साथ में, क्या आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि आप पबजी लेके बैठ गए और आपने घंटों पबजी में लगा दिए? क्या आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं और आप भूल जा रहे हैं कि आपका जो टाइम यूटिलाइज होना चाहिए था नीट 2020 की प्रिपरेशन में, वो आपने टिकटॉक के वीडियोज में लगा दिया है? तो प्लीज जैसे ही ये फील हो वहीं पर मुझे याद कीजिए और कहिए ना कि अब आपको वीडियोस नहीं करने हैं, पबजी नहीं देखना है, और ये टाइम यूटिलाइज करना है किसके लिए? आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि कुछ आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं जो कभी आपको मॉल लेके जा रहे हैं, कभी आपको मूवीज के लिए लेके जा रहे हैं, कभी आपको पार्टीज के लिए लेके जा रहे हैं? ये जो आप बहुत ज्यादा हैंग अराउंड कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो प्लीज ऐसे फ्रेंड्स के साथ मिलने को भी कहिए ना। जब आप ना बोलेंगे ऐसे फ्रेंड्स के मिलने को, तो आपका टाइम सेव होगा और आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे अपने नीट 2020 की प्रिपरेशन के लिए। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि कुछ इरिटेटिंग फैमिली मेंबर्स बार बार आ रहे हैं, आपको पोक कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं आपका सिलेबस कितना बढ़ा, क्या आप लोगों ने अच्छे स्कोर किए हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे ने क्या पढ़ा है? तो ये जो आपको डीमोटिवेट करने वाले फैमिली मेंबर्स है, प्लीज ऐसे फैमिली मेंबर्स को नमस्ते कहने को भी कहिए ना, उनसे ना मिले, और अपने आपको मोटिवेट करने वाले लोगों से मिलिए और अपना टाइम जो है उसको लगाइए अपनी स्टडीज के लिए। तो ऐसा करने से भी क्या होगा, आप मोटिवेट होके अपने सिलेबस को आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर आपके साथ में ये हो रहा है कि एक बार मोटिवेशन के बाद आप अपने चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, देन डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर से मोटिवेट होके वापस फर्स्ट चैप्टर को ही उठा लेते हैं, तो बार बार रिपीटेटिंग सिलेबस को करने को भी कहिए ना। सेकेंड टाइम जब भी मोटिवेट हो, नए चैप्टर को उठाइए, नए चैप्टर से पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा करने से सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो प्लीज ना कहना शुरू कीजिए। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका भी एक ही सॉल्यूशन है, ना। आपको कहना होगा ना ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने को जिनमें आपको डाउट रहता है, तुक्का मारते हैं। जब तक ये ना नहीं कहना सीखेंगे, ये तुक्के चलते रहेंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती रहेगी और आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज ना कहना सीखिए। एक छोटा सा शब्द जब आप ना कहने का यूज करते हैं, आप देखिए आप अपनी टाइम सेविंग करते हैं, आप अपने मार्क्स की सेविंग करते हैं, और आपका सिलेबस जो है वो भी आगे की तरफ मूव करता है, तो आप नीट 2020 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज ना कहना शुरू कीजिए और नीट 2020 की प्रिपरेशन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और अच्छी वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।